रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वार्निंग दे दी है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 से बचने का एकमात्र रास्ता बिना शर्त बातचीत करना है। लुकाशेंको का कहना है कि यदि युद्ध विराम की आड़ में पश्चिमी धोखा युद्ध को बढ़ाएगा, न्यूक्लियर पर वर्ल्ड वॉर 3 यूक्रेन में रूस की हार कराएगा। बखमूत की हार के बाद अब जेलेंस्की देश के नए ठिकानों की पहरेदारी में जुटे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से यूक्रेन की सेना पूरब की ओर शिफ्ट की जा रही है और इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि यह जेलेंस्की के स्प्रिंग प्लान के तहत किया गया है। स्प्रिंग प्लान महायुद्ध में जेलेंस्की का सबसे बड़ा प्लान है। क्या बखमूत की हारी जंग की राख से निकलेगी जेलेंस्की की जीत की चिंगारी? पुतिन की आर्मी को होगा अप्रैल में सबसे बड़ा नुकसान या जेलेंस्की की बखमूत में हार यूक्रेन की दूसरी पारी के युद्ध में हार की शुरुआत है? बखमूत ने जंग को दो हिस्सों में बांट दिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि जेलेंस्की के स्प्रिंग प्लान का क्या होगा? आशंका के आसमान में ऐसे असंख्य सवालों के बादल हैं जिनमें से कुछ का जवाब बखमूत की लड़ाई ने तय कर दिया है। इसकी डिटेल देखने से पहले आपको जेलेंस्की का स्प्रिंग प्लान दिखाते हैं, यानी जाड़े के बाद बसंत के दिनों में जेलेंस्की की सेना ने युद्ध का पासा पलटने के लिए क्या तैयारी की है। जेलेंस्की ने इसके लिए सबसे पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार देने की अपील की है। दूसरा ये कि जेलेंस्की ने फाइट बैक के लिए पूर्वी यूक्रेन में सेना का मूवमेंट और बढ़ा दिया है। तीसरा ये कि जेलेंस्की ने खुद को बचाने के लिए यूक्रेन में घोषणा कर दी है कि बखमूत के बाद हमें कुछ समझौतों पर साइन करने पड़ सकते हैं। चौथा, जेलेंस्की ने यह भी कह दिया है कि 2024 में अमेरिका में बाइडेन जाते हैं और रिपब्लिकन पार्टी की सरकार आती है तो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, जो युद्ध के लिए अच्छा नहीं है। मतलब जेलेंस्की इस साल युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। जेलेंस्की ने प्लान के तहत ही शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को निमंत्रण भी दिया है। शांति और युद्ध एक साथ वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं जेलेंस्की, और युद्ध ठीक उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसका नतीजा इस साल यानी 2023 में भी निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे जेलेंस्की युद्ध लंबा खींचना चाहते हैं और पुतिन इसे बस खत्म करना चाहते हैं। जेलेंस्की इसीलिए बखमूत हार कर भी नए फ्रंट पर सजग, सावधान और सचेत खड़े नजर आते हैं, जैसे युद्ध में रूसी फौज को उलझाए रखना भी जेलेंस्की की युद्ध नीति का हिस्सा हो। जेलेंस्की किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करना चाहते, उल्टा यूक्रेन से रूस की सेना को पीछे खदेड़ देने तक टिके रहना चाहते हैं, तब तक जब तक कि हारे हुए सारे इलाके रूस से वापस ना ले लें। 400 दिन में रूस ने यूक्रेन में जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है उसे यूक्रेन के मैप पर समझते हैं। सेवरोडोनेट्स, ज़ापोरिज़्या, लुहान्स्क, डोनेट्स, मारियोपोल, मैरियोतो, मैरितोपोल, बखमूत, अवदीविका, लिमन। अवदीविका की लेटेस्ट तस्वीरें पूर्ण विनाश के बाद बचे शहर की कहानी कहती हैं। रूस की फौज ने अवदीविका को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। बखमूत के बाद अवदीविका रूस की सेना के टारगेट पर नंबर वन था। नतीजा देख लीजिए, पूरा शहर वीरान है, लेकिन अभी यूक्रेन के कई हिस्से हैं जो रूस के कब्जे से बचे हैं। जेलेंस्की राजधानी कीव समेत इन्हीं इलाकों को रूस से बचाए रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि कब तक। रूस की आर्मी का एडवांसमेंट इस वक्त जबरदस्त है। रूसी सेना पूरे फॉर्म में है। बखमूत, अवदीविका के बाद रूस की सेना लुहान्स और डोनेस के उन इलाकों की ओर कूच कर रही है जो उनके कब्जे से छूट गए।
ज़ेलेंस्की के सामने अब इन इलाकों में पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस बीच यूएस आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मार्क हार्टलिंग ने ज़ेलेंस्की के लिए आने वाले दिन और बुरे बता दिए हैं। रिटायर्ड जनरल हार्टलिंग यूरोप में तैनात थे और इस वक्त युद्ध की समीक्षा कर जो निष्कर्ष निकाला है वो ये कि ज़ेलेंस्की के लिए आने वाला वसंत बहुत बुरा होगा। ज़ेलेंस्की कुछ और इलाकों को खोने वाले हैं। ज़ेलेंस्की को सेना की कमी से भी जूझना होगा। अमेरिका और नाटो की हथियार सप्लाई के बावजूद यूक्रेन के पास हथियारों की कमी होगी। ज़ेलेंस्की ने अपनी हार और जीत दोनों अमेरिका और नाटो के भरोसे छोड़ दिया है, जो बहुत लाजमी भी है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास ना वो सेना है ना वो हथियार जिसके दम पर वो रूस जैसे देश से लड़ सके। अमेरिका और नाटो का आंकड़ा कहता है कि युद्ध में अब तक 2,00,000 रूस के सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के 1,20,000 सैनिकों की मौत हुई है। हानि रूस को भी हुई है और हानि यूक्रेन को भी। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच फर्क यह है कि पुतिन को हर हाल में जीतना है और ज़ेलेंस्की हार भी जाते हैं तो ये हार उनकी नहीं अमेरिका और नाटो की होगी। मतलब ज़ेलेंस्की के पास अब भी मौका है कि वो फ्रंट फुट पर खेले और ज़ेलेंस्की यही कर भी रहे हैं। ज़ेलेंस्की अब रूस के खिलाफ जवाबी हमले की योजना बना रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बखमूत शहर में रूसी सेना को कुछ हद तक आगे बढ़ने में सफलता मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेनी सेना ने इस शहर पर अपनी पकड़ को पहले से मजबूत किया है। ज़ेलेंस्की ये मैसेज देना चाहते हैं कि बखमूत में उन्होंने अभी भी रूस की सेना को उलझाए रखा है, जबकि रूस मान चुका है कि उसका कब्जा हो चुका है। ज़ेलेंस्की इस वक्त जिस तरह की युद्ध नीति अपना रहे हैं उससे साफ दिखता है कि उनके ब्रेन में क्या चल रहा है। रूस को उलझाना, सेना बढ़ाना, शांति शांति, अमेरिकी मदद, नाटो की ताकत, पुतिन की बदनामी। ज़ेलेंस्की हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं और पिछले एक साल में ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से सेना के शीर्ष कमांडर और यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर जैसे फैसले लिए हैं उसने पुतिन को खून के आंसू रुलाया है। ताजा जानकारी है कि रूस डॉनबास में बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि अगले 30 दिन में जीत हार का फैसला हो जाएगा। अब सबकी निगाहें ज़ेलेंस्की पर है जो रूस पर बड़ा हमला करने की एक तैयारी कर चुके हैं। दावा है कि यूक्रेन को घातक टैंक मिल गए हैं और अब रूस पर जबरदस्त हमले की तैयारी है। दुनिया के करीब 60 देश युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े हैं। इधर सिर्फ रूस और बेलारूस हैं। चीन तक में कहा जा रहा है कि लोग पुतिन के साथ नहीं हैं, लेकिन पुतिन यूक्रेन समेत उन सभी 60 देशों पर भारी पड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में हार जीत के अलग जंग के 400 दिन बाद भी दुनिया का कोई देश रूस से सीधे भिड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि सामने पुतिन।